बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रवण कराएंगे ऐसा ही भक्ति अड्डा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हल षष्ठी व्रत की एक प्राचीन पौराणिक अमृतमयी पावन व्रत कथा। तो मेरे प्रिय भक्तों, आइए अब हम श्रवण करते हैं हरचट माता की पौराणिक व्रत कथा। भदपत माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिनी थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरे ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ऊँट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गाँव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक किसान खेत में हल से जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फरसा शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिनी दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गाँव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गाँव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इस घटना के बाद से ही ललही छठ हल षष्ठी हर छठ की कथा लोकप्रिय है। साथ ही हल षष्ठी हर छठ का पर्व मनाया जाने लगा।